नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम आ सकता है ट्यूसडे के दिन। पहले हम बात करते हैं, ब्रीफ डिस्कस करते हैं कि आज के दिन मंडे के दिन क्या हुआ। दोस्तों, निफ्टी में गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, बाय समथिंग अराउंड 20 to 25 पॉइंट्स, यानी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ था, ठीक है। देन मार्केट्स में एक फॉल आया, देन अगेन थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, देन अगेन फॉल, ठीक है। और बेसिकली कंसोलिडेशन फेज में था पूरा निफ्टी, और आफ्टर 1 PM एक अच्छा मोमेंटम आया था ऊपर की तरफ। देन यहाँ पर एक बियरिश कैंडल अच्छा बनाया था, बियरिश हरामी, इसे हम बोलते हैं बियरिश हरामी पैटर्न, ठीक है। इसका मैं ब्रीफ बताऊंगा बियरिश हरामी क्या होता है। देन देखिए, बियरिश हरामी बनने के बाद एक फॉल आया। दोस्तों, बियरिश हरामी पैटर्न पहले सीखते, देखिए इसी पे फोकस करते हैं आज के दिन। देखिए, जब भी अप ट्रेंड में मार्केट होता है, यानी कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाता रहता है, ठीक है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद, यानी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है, ठीक है। ये रेड कैंडल जो है छोटा सा बनना चाहिए, ये जो बॉडी है मदर कैंडल, इसके अंदर ही होना चाहिए। लेट्स से एक बड़ी सी ग्रीन है और समथिंग ऐसे रेड बंद हुई है, ठीक है, इसे हम बियरिश हरामी नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज इसका जो बॉडी है इसके ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है, या फिर इधर ओपन हुआ है, ये बॉडी के अंदर ही होना चाहिए। जो मदर कैंडल है बॉडी के अंदर ही होता है, तो इसे हम बोलेंगे बियरिश हरामी। ये बहुत स्ट्रांग कैंडल होता है दोस्तों, अगर अप ट्रेंड में बनता है, यानी ऊपर पूरा अप ट्रेंड, देखिए यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये कंटिन्यूसली इतना ऊपर तक गया था, ठीक है। यहाँ पर ये बियरिश हरामी नहीं, क्योंकि सेम क्लोज है, ठीक है, सॉरी सेम, यानी बॉडीज है दोनों का लेंथ सेम ही है। अगर ये छोटा बनता यहाँ पर रेड कैंडल, तो यहाँ पर बियरिश हरामी फॉर्मेशन होता और यहाँ से एक फॉल आता, बट नहीं, ये बियरिश हरामी नहीं था तो ये एंट्री नहीं बनती थी। यहाँ पर पर्सनली भी मैंने एंट्री किया था, ठीक है, जो अप ट्रेंड के पास, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किए, यहाँ समथिंग यहाँ पर मैं एग्जिट कर लिया था कॉल की एंट्री, और मैं वेट ही कर रहा था कि बहुत यहाँ से भागा है मार्केट, यहाँ पर कोई ना कोई बियरिश इंडिकेशन देगा और यहाँ से गिर सकता है। यहाँ पर मैंने एंट्री नहीं की थी, इसके बाद भी एक अच्छा फॉल आया था मार्केट से, पर मैंने एंट्री नहीं की थी। फिर अगेन ऊपर जाने के बाद ये पूरा कंफर्म कर दिया था बियरिश हरामी बना के, ठीक है। देखिए, अप ट्रेंड का माहौल है, अप ट्रेंड में एक बड़ी सी मदर कैंडल बनी है और रेड कैंडल देखिए वो बॉडी के अंदर ही बनी है, ये परफेक्ट बियरिश हरामी पैटर्न इसे बोलते हैं। ये पैटर्न बनने के बाद, ठीक है, जैसे इसका लो है, बियरिश हरामी का लो जो है वो ब्रेक होते ही आप एंट्री ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो मदर कैंडल का हाई है, मदर कैंडल के हाई को यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, यानी बियरिश हरामी का लो जो है वो ब्रेक होते ये एंट्री, और टारगेट आप 1:1, 1:2 भी रख सकते हो। इनफैक्ट ये 1:5 के भी टारगेट देते हैं दोस्त, जो भी बुलिश हरामी बियरिश हरामी पैटर्न होता है ये 1:5 के भी रिटर्न देते हैं, यानी 100 पॉइंट का ऐसा ले तो 500 पॉइंट का टारगेट भी आपको मिल सकता है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो 1:1, 1:2 में आप इजीली एग्जिट ले सकते हो, यहाँ पर इजीली 1:2 का प्रॉफिट दे चुका है। दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखने की बात है, जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, लेट से बियरिश हरामी हो गया, ठीक है, जबकि मार्केट डाउनफॉल में है, मार्केट गिरते जा रहा है, और यहाँ पर समथिंग एक रेड कैंडल बनाई है, ठीक है, या फिर नीचे में, ठीक है, एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद छोटा सा रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर ये बियरिश हरामी नहीं होगा, ये रिजेक्ट करेगा, बिकॉज क्योंकि डाउन ट्रेंड में बन रहा है बियरिश पैटर्न। डाउन ट्रेंड में हमें बुलिश पैटर्न देखना देखने की ज़रूरत है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार हो गया, डाउन साइड में बुलिश हरामी हो गया, डाउन साइड में जब भी मार्केट रहता है तो वो सब कैंडल्स आपको देखना है दोस्तों। तो जो भी ट्रेंड्स है उस हिसाब से आपको फॉर्मेशन, जैसे कि डाउन ट्रेंड में आप बियरिश हरामी इवनिंग स्टार ये सब फेल हो जाएंगे, अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा अगर तभी अगर आप बनता है बियरिश हरामी इवनिंग स्टार, अप ट्रेंड में बनता है देन वो आपको रिजल्ट अच्छे देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और एल्स एसएल कट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी फाइंड किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये कैंडल देखिए दोस्तों, ये परफेक्ट ग्रीन कैंडल है और उसके अंदर देखिए, उसके अंदर बॉडी के अंदर ही क्लोज हुआ रेड कैंडल, तो इस हिसाब से इसके कौन सा पैटर्न हुआ, बियरिश हरामी का पैटर्न हुआ। पर उसके बाद मार्केट ने क्या, मार्केट यहाँ फॉल आया नहीं आया, यहाँ से एक अप मूव आ गया, वाई, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर बियरिश हरामी बन रहा है, इसीलिए मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया।
पर यहाँ पर क्यों सक्सेस हुआ, क्योंकि यहाँ से ये अप ट्रेंड में हुआ था। मार्केट में एक रैली आई थी और एक ह्यूज रैली के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, देन ये फॉल आया। तो आपको ये भी नज़र रखना है कि अप ट्रेंड में कौन सा फॉर्मेशन कौन से ट्रेंड में बन रहा है। डाउन ट्रेंड में इवनिंग स्टार बनेगा तो रिजेक्ट होगा, डाउन ट्रेंड में बियरिश आरामी बनेगा तो रिजेक्ट होगा, ठीक है। यदि डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार बनता है तो ये फॉलो करेगा, डाउन साइड में बियरी बुलिश हरामी बनता है तो फॉलो करेगा, बुलिश एंगल्फिंग बनता है तो फॉलो करेगा। तो आपको ट्रेंड देख के भी आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पहचानने। तो सो डेली चार्ट में भी हम जाते हैं, डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है वो पहले हम देख लेते हैं। दोस्तों डेली की बात करें तो जो लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का वो है 18,600, 18,600 के करीब लाइफ हाई है 6/12 का, ठीक है। मैंने आपको बताया था 18,000 क्रॉस करते ही आपका पहला टारगेट रहेगा जो है वो 18,300, और उसके ऊपर ही हमारी क्लोजिंग हुई तो अच्छी क्लोजिंग है। और 18,300 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो नेक्स्ट टारगेट सीधा 18,600 आने के चांसेस है। तो जिनके पास भी निफ्टी लॉन्ग पोजीशंस है वो होल्ड कीजिए। आपका स्टॉप लॉस 18,000, ये 18,000 का वो स्टॉप लॉस लगा के जस्ट होल्ड करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 18,600। 18,600 अगर ये हाई पे जाता है, यहाँ पर हमें डेली चार्ट में कोई ग्रेव स्टोन डोजी या फिर इवनिंग स्टार और एल्स तो बियरिश हरामी को यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, बियरिश फॉर्मेशन होता है, देन वहाँ पर हम पुट पोजिशन। बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट, दोस्तों बैंक निफ्टी ने भी गैप अप ओपन किया था, ठीक है। ओपनिंग के बाद एक शार्प फॉल आया बैंक निफ्टी में, और फॉल के बाद देखिए पूरा दिन कंसोलिडेशन, पूरा कंसोलिडेट किया, देन यहाँ पर ये देखिए कितने इसके पिन बार बोलते हैं, डोजीज बोलते हैं, 4 डोजी, यानी इनडिसिव। बायर्स की भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही थी ना, सेलर्स की स्ट्रेंथ दिख रहे थे, पूरा कंसोलिडेशन किया, ठीक है। देन आफ्टर 1 PM एक शार्प मूव आया। मूव मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है या तो ड्रॉप बेस रैली होती है, तो आज का दिन जो था वो था ड्रॉप बेस रैली, एक रैली हुई, ठीक है। जब भी ऐसा कंसोलिडेशन मूव होता है बहुत इजी होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जैसे एक फॉल आया देन पूरा ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। एक रेक्टेंगल आता है आपके ट्रेडिंग व्यू में, यह रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। जो नीचे का सपोर्ट ले रहा है वहां पर आपको ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको मार्कडाउन करना है कि अगर ये रेक्टेंगल का ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है देन आपको कॉल पोजीशन बाय करना है सी, और अगर नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, देन आपको पी बाय करना है, ठीक है। और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर देखिए विक बना रहा है नीचे, विक 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 यहाँ पर नीचे विक्स बना रहा है। आपको क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल दिख रही है ये क्लोज हुआ था, यहाँ कंफर्मेशन दिया था कि बाय करने, ये उसके बाद फिर से नीचे गया था रेक्टेंगल, यहाँ पर देखिए बोलते हैं रीटेस्ट, ऊपर गया था आपने यहाँ पर एंट्री ली देन नीचे, कुछ लोगों ने रीटेस्ट पे एंट्री ली थी, यहाँ पर एंट्री रिटेस्ट पे लिया रहेगा। उसके बाद देखिए मस्त अच्छा मूव आया था ऊपर, देन यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देख के आप बुक करके कॉल को यहाँ पर आप पुट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जो है 42,350 का है, अभी का जो न्यू लाइफ हाई है वो है 42,350। तो पॉसिबल है कल के दिन हम यहाँ पर इसको ब्रीच करें, ठीक है। 42,350 को ब्रीच करने के ऊपर 42,500, 43,000 के एक्सपायरी तक टारगेट्स निकल के आते हैं। दोस्तों बाय करने की राय रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस में। निफ्टी में स्टॉप लॉस रहेगा 18,000 और बैंक निफ्टी में रहेगा 42,000। ये स्टॉप लॉस प्लेस करके आप होल्ड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक।